दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के घर में अगर इस सीजन का सबसे मास्टरमाइंड हम अगर फुकरा इंसान को कहें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से सलमान खान ने एपिसोड की शुरुआत की थी और यहाँ पर इशारों ही इशारों में बता दिया था कि आज एक वो ऐसे शख्स की क्लास लगाने वाले हैं जिसके कि बहुत बड़ी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, जो बहुत बड़ी गलती कर चुका है, मर्यादाओं को लांघ चुका है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर इनडायरेक्टली एल्विस के लिए कही गई थी। क्योंकि दोस्तों आपको पहले मुद्दा मैं बता देता हूँ, आशिका भाटिया के कपड़ों को लेकर कहा गया था कि वो बहुत छोटे कपड़े पहनती है, उन कपड़ों में उनका सब कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ कमेंट किया गया था एल्विस के द्वारा। ये आपको याद होगा कि बाहर गार्डन एरिया में विमल जोन में बैठकर मनीषा रानी के साथ में ये सारी बातें हुई थी और इसी मुद्दे की यहाँ पर सलमान बात कर रहे थे। हालांकि बेबिका की फटकार लगाने के बाद सलमान खान ने कुछ देर का ब्रेक लिया था और इस बीच में यहाँ पर फुकरा इंसान ने पहले तो बेबिका को समझाया कि देख तू उनके बीच में मत बोला कर यार, जब वो समझा रहे हैं तो उनकी बात को क्यों काट रही है। इस पर बेबिका ने चलो अपनी गलती मान ली, लेकिन इसके बाद वो एल्विस पर आते हैं और एल्विस को कहते हैं कि देख उन्होंने तेरे लिए कहा है वो सब कुछ जो कहा है ना। लेकिन पहले तो एल्विस को लगा कि शायद उनका जो मुद्दा था वो उस मुद्दे के लिए नहीं कह रहे होंगे। दरअसल एल्विस को लग रहा था कि एक बार उन्होंने पूजा भट्ट के बारे में कुछ कहा था अपने दोस्तों के सामने, कुछ गंदी एब्यूजिव लैंग्वेज यानी कि गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हुए कुछ बात कर ली थी, उसके बारे में बात कर रहे होंगे और गलती से निकल गई, इसमें क्या हो गया। लेकिन दोस्तों फुकरा इंसान समझ चुके थे कि वो गलती नहीं थी बेटा, गलती तो कुछ और है, कुछ तूने और किया है जिसमें मर्यादा लांघी है, उस मुद्दे पर बात हो रही है। हालांकि उस समय तो एल्विस हंस रहे थे, लेकिन अब जो दोस्तों आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर सलमान खान एल्विस को समझाते हैं आशिका भाटिया वाले मुद्दे पर। आपका क्या कहना है, कैसा लगा फुकरा इंसान का ये अंदाज हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आप भी एल्विस और फुकरा इंसान के फैंस हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।